वेलकम स्टूडेंट्स आज हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे कोरल कोरल्स आर मेराइन मोस्टली कॉलोनियल पॉलीपाइड सिलेंड्रेट्स लुकिंग लाइक मिनिएचर सी एनिमॉन एंड लिविंग इन ए सीक्रेटेड स्केलेटन ऑफ देयर ओन बेसिकली कोरल्स क्या हैं मेराइन और मोस्टली कॉलोनियल पॉलीफाइड सिलेंड्रेट्स होते हैं जो कैसे दिखते हैं सी एनिमॉन जैसे दिखते हैं और अपने सिक्रेटेड स्केलेटन में रहते हैं देयर कैल्केरियस और हॉर्नी स्केलेटन इज़ नोन एज कोरल्स इनका जो कैलकेरियस और जो हॉर्नी स्केलेटन है वो कोरल्स कहलाता है मोस्ट ऑफ द कोरल्स बिलोंग टू क्लास एंथोजोआ। ज़्यादातर जो कोरल्स हैं वो क्या हैं क्लास एंथोजोआ के सदस्य होते हैं एंड फ्यू टू क्लास हाइड्रोजोआ। और कुछ कोरल्स जो हैं वो क्लास हाइड्रोजोआ में आते हैं कोरल्स कॉलोनीज ग्रो कंटिन्यूसली इन साइज बाई बॉलिप्स एंड ऑफन फॉर्म एक्सटेंसिव मासिस नोन एज कोरल रीव्स कोरल रीव्स जो हैं वो क्या है कोरल्स की कॉलोनीज बडिंग्स जो पॉलिप्स की बडिंग होती है मुकलन होती है उससे लगातार वृद्धि करती रहती हैं और एक एक्सटेंसिव मास के फॉर्म में आ जाती हैं जिसको कोरल रीव्स कहते हैं तो बेसिकली कोरल रीव्स क्या है कैल्शियम कार्बोनेट की रिज या माउंटेंस होते हैं जिनकी ऊपरी सतह समुद्र की सतह के निकट होती है तथा मुख्यतः जो कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाए गए होते हैं इनको कोरल रीफ्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू टी वेलैंड वन इन 1917, ए कोरल रीफ इज ए रिज ऑफ लाइम स्टोन कोरल रीफ क्या है एक रिज़ होती है लाइम स्टोन की द अपर सरफेस ऑफ विच इज़ द नियर सरफेस ऑफ द सी अपर सरफेस उसकी समुद्र की सतह के निकट होती है एंड विच इज़ फॉर्म्ड चीफली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं सीक्रेटिड बाई कोरल पॉलिप्स और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कोरल पॉलिप्स के द्वारा सीक्रेटिड होता है प्रिंसिपल बिल्डर्स क्या होंगे इसके जो कोरल रीव्स हैं उनके जो प्रिंसिपल बिल्डर्स बिल्डर्स या मुख्यतः जो बनाने वाले होते हैं वो इस्टोनी कोरल्स होते हैं जो मेड्रेपोरेरिया के अंतर्गत आते हैं कुछ और कंट्रीब्यूटर्स या और कोरल्स में आते हैं हाइड्रो एंड एल्सायोनेरियंस इसके अंतर्गत आते हैं रीफ बिल्डिंग कोरल्स रिक्वायर वार्म शैलो वाटर्स नॉर्मली अबाउट बी ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड जो रीफ बिल्ड बिल्डिंग करते हैं वो कोरल्स उनको लिए थोड़ा सा गर्म पानी की जरूरत होती है गर्म शैलो वाटर की ज़रूरत होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर

द कोरल रीफ्स आर ऑफ थ्री depending ऑन हाउ दे आर formed. कोरल रीफ्स तीन तरह की होती हैं डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनी हैं उसके बेसिस पे ये कोरल रीफ्स थ्री टाइप्स की होंगी नंबर वन फ्रिंजिंग रीफ नंबर टू बैरियर रीफ्स और तीसरा जो है वो atoll कहलाता है फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है फ्रिंजिंग रीफ अगर आप कहते हैं इनको शोर रीफ भी कहा जाता है फ्रिंजिंग रीफ को शोर रीफ भी कहा जाता है कोरल रीव्स लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ़ द सम वॉल्केनिक आइलैंड पार्ट ऑफ सम कॉन्टिनेंट एक्सटेंड आउट टू ए डिस्टेंस ऑफ फोर हंड्रेड मीटर फ्रॉम द शोर ये तट के निकट चार सौ मीटर तक सागर में फैले रहते हैं और मोस्ट एक्टिव जोन ऑफ कोरल ग्रोथ फेसिंग द सी इज कॉल्ड एज और फ्रंट इनका जो एक्टिव जोन होता है वो समुद्र की तरफ होता है इसे एज या फ्रंट भी कहा जाता है ए शेलो वाटर चैनल 500 से 100 मीटर का जो शेलो वाटर चैनल लाइज बिटवीन द एज एंड शोर जो 500 से 100 का शेलो वाटर चैनल है उसको ये एंड क्लोज किए हुए रहती हैं एट लो टाइड वाटर ऑफ चैनल रिसीड्स एट क्विकली क्विकली एक्सपोजिंग ए फ्लैट बॉटम सरफेस कॉल्ड री फ्लैट जब लो टाइड होती है टाइड होती है तो जो वाटर चैनल है उससे से पानी रसीड कम हो जाता है तो वहाँ पे हमको फ्लैट बॉटम दिखाई देता है और जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो फ्लैट बॉटम दिखाई देने लग जाता है इसको रीफ फ्लैट कहा जाता है तो यहाँ आप देखिए ये है लेगून लेगून होता है जो सी शोर और कोरल रीफ के बीच का जो शैलो वाटर है उसको लगून कहा जाता है ये देखिए आइलैंड या दीप है और ये लगून है और ये चारों तरफ फ्रिंजिंग रीफ है तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये ये लगून और फ्लैट तो ये बीच में पानी है शेलो वाटर है और उसके चारों तरफ ये फ्रिंजिंग रीफ मौजूद है इट इज लार्जली कंपोज ऑफ कोरल एंड मड डेड और लिविंग कोरल कॉलोनीज एंड अदर एनिमल्स सेकेंड टाइप जो आती है दैट इज बैरियर लीफ बैरियर लीफ अगर आप देखेंगे तो बैरियर रीफ आर लाइक फ्रिंजिंग रीफ ये फ्रिंजिंग रीफ जैसी ही होती है बट दे आर लोकेटेड सम डिस्टेंस यानी कि जो बीच का लगून वाला जो है अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है लगून वाला ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती हैं सम डिस्टेंस वन टू फिफ्टीन किलोमीटर अवे फ्राम द शोर शोर से है ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप देखें लेगून जो है ये इसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है और ये उससे कुछ डिस्टेंस पर मौजूद होती हैं स्ट्रैच ऑफ वाटर सेपरेटिंग द बैरियर रीफ फ्राम लैंड इज कॉल्ड लेगोन स्ट्रेच जो बैरियर रीफ जो स्ट्रैच ऑफ वाटर है जो बैरियर रीफ को लैंड से अलग कर रहा है उसको लेगून कहा जाता है ये करीब दस से पचा, पचास फैदम डीप होगा और सुटेबल फॉर नेविगेशन यानी कि यह जलियान के लिए ये या नेविगेशन के लिए सूटेबल होता है इसका एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये करीब दो हज़ार किलोमीटर लॉन्ग और एक सौ पचास किलोमीटर फ्रॉम शोर स्थित होता है तो ये है बैरियर रीफ तो ये कैसी फ्रिंजिंग रीफ जैसी ही होगी बैरियर रीफ लेकिन ये क्या होगा सी शोर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती है तीसरा जो आता है वो आता है अटोल एंड एटोल इज ऑल्सो टर्म्ड ए कोरल आइलैंड और लेगून आइलैंड अटॉल को कोरल आइलैंड या लेगून आइलैंड भी कहा जाता है इट इज़ ए रिंग लाइक और हॉर्स शू शेप्ड रीफ दैट एंड सर्किल ए लेगून बट नॉट आईलैंड ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है लैगून वेरीज फ्राम फ्यू टू फ्यू टू 90 किलोमीटर्स अक्रॉस इट मे बी कंप्लीट और ब्रोकन बाई ए नंबर ऑफ चैनल्स यह किसी द्वीप के चारों ओर ना होकर लेगून के चारों ओर होता है यानी कि जो आइलैंड है वो और अंदर पानी में धस गया है और उसके चारों ओर पानी आ गया है तो बेसिकली जो लेगून है या इस तरह की जो रीफ्स हैं वो किसी द्वीप के चारों ओर नहीं होकर लेगून के चारों ओर होती हैं और ये वॉल क्या होगा इट मे बी कम्प्लीट ओब्लिक ब्रोकन बाय ए नंबर ऑफ चैनल्स ये एक कंप्लीट भी हो सकती है या एक या एक से ज़्यादा स्थानों पर टूटी भी हो सकती है लगोन वेरीज़ फ्रॉम फ्यू टू 90 किलोमीटर्स अक्रॉस और ये वेरी करता है फ्यू टू 90 किलोमीटर्स तो यहाँ देखिए आप ये लगून है और ये आपको एटॉल दिखाई दे रहा है ये और ये ये जो आपको चारों तरफ जो दिखाई दे रही हैं ये क्या है एटॉल एटोल टाइप की जो है कोरल रीफ्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यह चूंकि एक या कई स्थानों पर टूटी हो सकती है तो इसमें नेविगेशन किया जा सकता है या जलयान चलाए जा सकते हैं द एटॉल ऑफ बिकाइन फेमस फॉर एटोमिक एंड हाइड्रोजन टेस्ट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन जो एटॉल हैं बिकाइन बिकाइन एटॉल हैं ये फेमस हैं हाइड्रोजन और एटॉमिक एटॉमिक टेस्टिंग के लिए ये पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं अब इन कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके लिए कई थ्योरी दी गई लेकिन उनमें से टू थ्योरीज जो हैं टू थ्योरीज सीम्स टू बी ऑफ सम कन्विंसिंग इम्पोर्टेंस केवल दो ही थ्योरी ऐसी हैं जो इसके सपोर्ट में आ, दिखाई देती हैं बाकी पहली है सब्सिडेंस थ्योरी बाय डार्विन या डार्विन का निमग्न सिद्धांत ये डार्विन ने 1831 में ही थ्योरी दी थी इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे फ्रिंजिंग रीफ वाज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन द स्लोपिंग शोर ऑफ एन आइलैंड सब्सिडेंस ऑफ सी फ्लोर देन कमेंस्ड इन द रीजन ऑफ रीफ फॉलोड बाई अपवर्ड एंड आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ कोरल दस द फ्रिंजिंग रीफ बिकम द बैरियर रीफ इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखेंगे तो फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण आईलैंड के जो स्लोपिंग शोर हैं या जो ढालू तट हैं उनसे होता है समय के साथ साथ क्या होगा सी फ्लोर जो है या समुद्र का जो फ्लोर है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाता है और सी फ्लोर के नीचे आने से बैठ जाने से क्या होगा कोरल रीफ ऊपर तथा बाहर की ओर आ जाती हैं ऊपर आएंगी यानी कि ऊपर की तरफ और बाहर की ओर आ जाएंगी और उसके ऊपर और बाहर की ओर आ जाने से किसका निर्माण हो जाता है बैरियर रीफ्स का निर्माण हो जाता है अब यदि बाय ग्रेजुअल सिंकिंग द आइलैंड अल्टीमेटली वैनिश एंड द बैरियर रीफ बिकम ए कोरल एटोल विद ए सेंट्रल लैगून और यदि आइलैंड पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाए या पूर्ण रूप से पानी में डूब जाए लैगून का सेंट्रल लैगून का निर्माण हो जाता है तो चारों तरफ की जो कोरल रीफ्स हैं वो कौन सी कहलाती हैं एटोल का एटोल का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है दूसरी जो थ्योरी दी गई दैट इज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय डेली डेली ने ग्लेशियल थ्योरी दी ये प्रोपाउंडेड बाय डेली अकाउंट्स फॉर द लोअरिंग ऑफ ओशियन लेवल बाय विड्रॉल ऑफ वाटर फॉर ग्लेशियल फॉर्मेशन दिस रिजल्टेड इन द एक्सपोजिंग सेवरल फ्लैट प्लेटफॉर्म्स कट आउट बाई द एक्शन ऑफ वेव्स वेन द ग्लेशियल मेल्टेड एंड द टेम्परेचर बिकम फेवरेबल कोरल बिगिनस टू ग्रो दीज प्लेटफॉर्म्स बिल्डिंग हायर एज द ओशियन लेवल रोज इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ग्लेशियल पीरियड में आइस कैप्स के निर्माण के कारण से क्या होगा वाटर लेवल जो है वो 60 टू तो 70 मीटर नीचे चला जाता है जिससे वेव के एक्शन से क्या होगा अनेक फ्लैट जब वाटर लेवल नीचे जाएगा तो वेव के एक्शन से जो अनेक फ्लैट प्लेटफॉर्म्स प्लेट थे वो बाहर निकल जाते हैं और ये जो फ्लैट प्लेटफॉर्म्स हैं ये कोरल की ग्रोथ के लिए काफ़ी उपयुक्त माने जाते हैं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियल के पिघलने के साथ समुद्र का स्तर बढ़ा और समुद्र का स्तर बढ़ने के साथ ही कोरल रीफ्स का निर्माण भी तेज़ी से हुआ तो ये ग्लेशियल आ, कंट्रोल थ्योरी है जो डेली ने दी यहाँ पे आप देखेंगे अटोल फॉर्मेशन इन द इंडो पैसेफिक किस तरह से ये कोई एक्टिव वॉल्केनो है उसे ये आइलैंड बना आइलैंड के चारों ओर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है फ्रिंजिंग रीफ ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कैसी है फ्रिंजिंग रीफ जो कि सी शोर के पास है यानी कि आइलैंड है आइलैंड के पास में आप देख रहे हैं ये सी शोर के पास है अब उससे क्या होगा धीरे धीरे अब ये बाहर की ओर वृद्धि करेंगी जो कोरल रीफ्स है और ये जो आइलैंड है उन अंदर की ओर धसना शुरू हो जाता है सब्सिडेंस यानी कि आयरन अंदर की ओर धसना शुरू होगा और ये बाहर की ओर कोरल रीफ्स वृद्धि करेंगी तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला लैगून है और ये जो पोर्शन है ये बढ़ा हुआ आपको नजर आता है और ये कौन सी बन गई ये जो बनी है ये है बैरियर रीफ ठीक है और बैरियर रीफ के बाद में अब क्या होगा जो आइलैंड है वो टोटली पानी में अंदर चला जाता है और चारों ओर आपको जो लेगून को एनसर्किल किए हुए ये कोरल रीफ होती है ये देखिए ये लेगून है और ये कोरल रीफ पूरा का पूरा जो बीच में आइलैंड या दीप था वो तो पानी में अंदर चला गया और ऊपर से देखने पे आपको इस तरह से एटॉल टाइप की कोरल रीफ यहाँ पे दिखाई देती है तो ये थी डिफरेंट टाइप्स की कोरल रीफ्स और उनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो आज हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है थैंक यू थैंक यू वेरी मच